वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज पहुंचेगी उज्जैन। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे राहुल गांधी। महाकाल के मंदिर में राहुल टेकेंगे मत्था, बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। उज्जैन में रोड शो भी करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उज्जैन पहुंच रही है। उज्जैन में महाकालेश्वर के मंदिर जाएंगे, महाकाल के मंदिर में मत्था टेकते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव है, ऐसे में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अब उनकी ये यात्रा उज्जैन पहुंचने वाली है। रोड शो भी करेंगे राहुल गांधी, लोगों से मिलते हुए धरातल पर लोगों से उनकी बातचीत, लगातार तस्वीरें सामने आ रही थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में वोटरों को साधने की पूरी पूरी कोशिश राहुल गांधी यहां पर करते हुए नजर आई। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उज्जैन पहुंचेंगे राहुल गांधी, महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेंगे, महाकाल मंदिर में दर्शन करते हुए साथ ही मत्था टेकते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, उज्जैन पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी, कौन कौन से उनके कार्यक्रम इस दौरान प्रस्तावित हैं? देखिए, बिल्कुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 52वां यानी 52 डेज हो चुके हैं और राहुल गांधी मध्य प्रदेश में है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है कैंडिडेट्स की। कांग्रेस पार्टी की 7 मार्च को दिल्ली में बैठक है, जिसमें मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनकी पहली सूची पर चर्चा होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि न्याय यात्रा के तहत आज मध्य प्रदेश के मक्सी में, उज्जैन में और देवास में, शाजापुर जिले में राहुल गांधी रोड शो भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और परीक्षार्थी संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के गढ़ में आज राहुल गांधी, शिवपुरी गुना में, सिंधिया के गढ़ में राहुल गांधी ने सीधे तौर पर सिंधिया पर निशाना साधा है। ऐसे ही आज सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जब राहुल गांधी उज्जैन पहुंचेंगे तो क्या मोहन यादव के खिलाफ कोई बड़ा बयान देंगे। दरअसल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना को लेकर आंदोलन छेड़ रखा है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव बिहार और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सामाजिक समीकरण बैठाने में जुटे हुए हैं, यादव समाज के कार्यक्रमों में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी का निशाना आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी हो सकता है। देश में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, युवाओं को जिस तरीके से रोजगार ना मिलने के मुद्दे उठा रही है, तो आज सबकी नजर इस बात पर की है कि राहुल गांधी आज जब उज्जैन पहुंचेंगे, बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, उसके बाद रोड शो करेंगे, जनसभा करेंगे, तो उनके बयान आखिर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ वो निशाना साधते हैं या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके निशाने पर आते हैं? जी गौरव, देखिए यहाँ पर राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उज्जैन पहुंचने वाली है और वोटरों को साधने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। अगर जनता के रुख की बात करें तो जनता का रुख कैसा नजर आ रहा है उज्जैन में? देखिए, जनता जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में इकट्ठी हो रही है, कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव में भी बहुत भीड़ दिखाई देती थी, ये भीड़ वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो सकी, कहां फेल्योर रहा? ये तमाम सवाल संगठन पर, कार्यकर्ताओं पर, नेताओं की कार्यप्रणाली पर खड़े होते हैं। विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हिंदी बेल्ट के बड़े राज्य हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, बीजेपी वाकई में प्रचंड बहुमत से जीतकर सामने आई, तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मध्य प्रदेश में सीधी टक्कर है। एक सीट मात्र खजुराहो है जहां से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस और सपा के बीच में जो समझौता हुआ है, बाकी की जो 28 सीट है, 28 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट होंगे, बीजेपी पूरी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि जो मिशन 29 बीजेपी ने जारी किया है कि पूरे मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें बीजेपी इस बार जीतेगी। कांग्रेस में अभी कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से कांग्रेस के सांसद हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी अपनी कुछ सीटें बचा पाने में सफल होगी या फिर बीजेपी जो अतिविश्वास जिसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, क्या वाकई में उसको वो बीजेपी भुना पाएगी? सब जो है इसी बात पर नजर बनाए हुए हैं। माधुरी, गौरव, अभी तक कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट उम्मीदवारों की नहीं निकाली है, सभी की नजरें पहली लिस्ट पर टिकी हुई है कि कांग्रेस कौन कौन से उम्मीदवारों के नाम पहली लिस्ट में शामिल करती है, लेकिन अगर उज्जैन की बात करें तो समीकरण कैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं उज्जैन में?
देखिए, उज्जैन से मोहन यादव बिलोंग करते हैं, वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, 17 साल लगातार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को लाया गया है, तो कहीं ना कहीं उज्जैन की जो जनता है उसे कहीं ना कहीं इस बात पर बीजेपी पर बीजेपी के आला कमान पर मोदी पर अमित शाह पर ये भरोसा है कि उन्होंने उज्जैन को नेतृत्व दिया है और जब से मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव को लगातार उज्जैन को लेकर अभी उन्होंने हाल ही में रीजनल इन्वेस्टर समिट बुलाई, उज्जैन को लेकर कई योजनाएं उन्होंने तैयार की हैं, 2027-28 में सिंहस्थ होना है, तो हरिद्वार की तर्ज पर प्रयागराज की तर्ज पर सिंहस्थ उज्जैन में भी होता आ रहा है, हर 12 साल में जो सिंहस्थ होता है, तो उज्जैन की कार्यप्रणाली को लेकर मुख्यमंत्री बेहद संवेदनशील है। लेकिन जब राहुल गांधी की यात्रा वहां पहुंचेगी तो सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि राहुल गांधी किसको निशाने पर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव को। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव का गढ़ है उज्जैन और वो वहां से विधायक भी हैं। जी ठीक है, बहुत ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।